देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक पर और मेरे साथ राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के नन्हे लाल जी मौजूद है और उनकी पूरी टीम आज चांदनी चौक पर एकत्रित हुई है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो सीलिंग दिल्ली में चल रही है उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी सीलिंग की जो दिल्ली सरकार बार बार रुकवाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी जा रही। सीलिंग से काफ़ी लोगों के मकान तक उजड़ गए हैं, काफ़ी लोगों की दुकानें, और अब बात आ गई है दिव्यांगों की दुकानों पर। इन पूरी दिव्यांग सेना की मांग है कि जब सीलिंग अगर हो तो इनकी दुकानें ना छेड़ी जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको सिर्फ यही योगदान है, इनकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन अगर सीलिंग से वो भी हटा देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। नन्हे जी, क्या कहना है सीलिंग के बारे में? सर, पहले तो अपने सभी दर्शकों से नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे साथियों ने इतना कीमती समय दिया, और अपने चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि चैनल के साथियों ने काफ़ी हमारा सहयोग किया है और आप बराबर भी करते आ रहे हैं। सीलिंग का जो दौर है वो सीलिंग और दिल्ली में चल रहा है, लेकिन अभी तक जो रिटेल चार्टर्ड में निकाली है इसमें दिव्यांगों के लिए कोई प्रपोजल नहीं है जो दिव्यांगों को हटाया जाए, उजाड़ा जाए और उनके साथ कोई पुलिस डिपार्टमेंट या MCD या NDMC या PDD या JCD या DDA, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो दिव्यांगों को हटाया जाए, लेकिन उनकी अधिकारियों गुंडागर्दी से हमारे कुछ दिव्यांगों को तंग करा जा रहा है, बराबर टॉर्चर करा जा रहा है और उन पर अभद्रता के साथ व्यवहार भी किया जा रहा है। इसलिए इसके खिलाफ हम 21 तारीख को सुबह 9 बजे पुलिस हेडक्वार्टर ITO पर धरना स्थल करेंगे और उसमें अनशन पर बैठेंगे 25 लोगों के साथ में। तो हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रहा हूँ कि हम कम 21 करोड़ दिव्यांग हैं हिंदुस्तान में, और सारे दिव्यांग साथियों का अगर ऐसा हो जाएगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और कुछ हमारे साथी बताना चाहेंगे, अपने अपने आप व्यक्ति बताएंगे तो उनका भी थोड़ा सा। जी, मैं सागर, भारतीय दिव्यांग सेना से, और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हम हैंडीकैप लोगों को MCD या NDMC या ये जो सीलिंग का मुद्दा चल रहा है इस मामले में हम लोगों को परेशान ना किया जाए। सर, क्या कहना? श्याम, विकलांग दिव्यांग से, और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों विकलांगों को परेशान नहीं किया जाए, और ये परेशान करने की बात है पुलिस वाले क्या, कमेटी वाले क्या, हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि हम लोग विकलांग हैं, भीख तो कहीं मांग नहीं सकते और नहीं कहीं मेहनत से रोटी कमा सकते, क्योंकि हमारी एक छोटी छोटी दुकान है पटरी पे, जहाँ पटरी पे आती हैं दुकानें, हम लोगों को कमेटी वाले प्लस पुलिस वाले सारे मिल के परेशान करते रहते हैं, और हम लोगों को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग विकलांग हैं, हम ना किसी को सरकार को परेशान कर रहे करते हैं और ना किसी को, ना तो हम ना कोई गलत काम करते हैं, क्योंकि हम अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं पटरी पर रह के। सचिव, मैं धन्यवाद चाहूँगा ग्रामीण चैनल का, क्योंकि आपने जो हमें यहाँ के हम लोगों को और हमारे भारतीय दिव्यांग सेना के अध्यक्ष जो हैं नन्हे लाल शर्मा जी, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अच्छी तरह से, और हम भी उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, और जैसे कि आप जान देख ही रहे हो दिल्ली में सीलिंग का प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो जो है भारतीय दिव्यांग सेना के अध्यक्ष हमारे नन्हे लाल शर्मा जी हैं, इसी के प्रति हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोगों को NDMC और ये मतलब जो है दिल्ली पुलिस और जो है MCD जो है वही है MCD, उसी के अकॉर्डिंग जो हमको तैयार मतलब तंग किया जा रहा है, मैं हैंडी के पर्सनों को हमें कभी तंग ना किया जाना चाहिए। मैं भारत प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ और राष्ट्रपति से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को हमारे रोजी रोटी, हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें हमारी दुकानों को ना तंग ना हटाया जाए, ना हम लोगों को तंग किया जाए, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है ITO पे धरना, ITO ऑफिस जो है पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लगभग 25 लोगों की टीम है जिसमें हमारे भारतीय दिव्यांग सेना के अध्यक्ष नन्हे लाल शर्मा जी और वासुदेव बादल साहब जो हैं हमारे साहब साथ यहीं पे जो है धरना स्थल पर बैठेंगे। हम लोग हैं नग्न होकर भी, अगर नौबत आई तो नग्न होकर कर भी हम जो है धरना प्रदर्शन में तैयार रहेंगे। हम किसी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हम नहीं, जैसा सब साथियों ने बताया कि जो धरना प्रदर्शन होने वाला है वो MCD के खिलाफ होने वाला है, क्योंकि जो कमेटी आती है MCD ही हटाती है, और दिव्यांग लोगों के पास क्या क्या अधिकार हैं पहले तो ये दर्शक जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले MCD की बात करता हूँ। MCD के जितने भी अधिकारी आते हैं, इंसानियत से, मर्यादा से उन पर हम बड़ा आश्रय है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को तंग कम करते हैं, लेकिन लोकल पुलिस वाले ज़्यादा तंग करते हैं। पुलिस के सहयोग से ये होता है,
लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ हैं, हमारा सपोर्ट देते हैं बराबर हम लोगों को। तो हम सबसे पहले जो कुछ पुलिस के महकमे में जो बहुत ही निकम्मे टाइप के जो भ्रष्टाचार अत्याचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हम सीपी साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात कि धरने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ही क्यों चुना? सर इसलिए चुना है पुलिस हेडक्वार्टर जहां पर पुलिस का पूरा महकमा और पुलिस का पूरा लीडर अमूल्य पटनायक साहब वहां बैठते हैं, और बगैर धरना करे हुए हम अपनी समस्या को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। धरने के बाद अगर नहीं रुकता है फिर भी इन दिव्यांगों को हटाया जाता है तो क्या एक्शन रहेगा? अब पुलिस हेडक्वार्टर पर अगर हम 10 दिन 15 दिन 5 दिन नग्न होकर अनशन बैठेंगे, एक दो विकलांग मर भी जाएगा अगर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो राजीव गाबा गृह सचिव के पास जाएंगे, राजनाथ सिंह गृह मंत्री जी के पास जाएंगे, धरना करेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाई बाकी है। सुना आप लोगों ने कि वाकई में गलत हो रहा है, सीलिंग के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में पूरी राष्ट्रीय दिव्यांग सेना चांदनी चौक पर मौजूद है, और ये सब इस बारे में पूरी तैयार हैं कि सोमवार को 21 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन होने वाला है सीलिंग को लेकर, कि MCD अब दिव्यांगों को भी हटाने लगी है, जो उनका रोज़गार है, उनकी छोटी दुकान उनको वो चलाते हैं उसको हटाने वाली है, और अगर ये दुकानें हट जाती हैं MCD के द्वारा तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको कौन योगदान देगा या सरकार इनके लिए क्या करेगी? होता क्या है 21 तारीख को पता लगेगा हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही, कि धरना प्रदर्शन के बाद MCD की क्या आंखें खुलती हैं, या MCD सीलिंग के कारण दिव्यांगों को परेशान करना बंद करेगी कि नहीं करेगी। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हनी सहगल, कैमरामैन पिंटू प्रजापति के साथ, दिल्ली चांदनी चौक, ग्रामीण न्यूज़। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।